9 देखिए, कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता, ये आपको साबित करना है। यहाँ लिखिए cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, cos स्क्वायर को हम 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और ये sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ चलिए ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखिए 2 प्लस, इसको sin बटा cos लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा चलिए इसमें से आप sin कॉमन कर लीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए ये 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्म होता है, tan का होता है ना, तो यहाँ से आप इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो देखिए ये स्क्वायर है इन दोनों पे, तो इसका मान तो आपको पता ही है, आप देख रहे हैं इन दोनों पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि sin स्क्वायर थीटा और इंटू में है आपका cos, सॉरी tan इंटू में है आपका tan, इसका मान जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा जीरो और जीरो से तो बड़ा ही होगा ना, इसका मान हमेशा जीरो और जीरो से बड़ा ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसका मतलब यह होगा कि इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता। इससे ना निष्कर्ष निकला कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। 2 के बराबर भी हो सकता है ना, अगर ये जीरो आ जाए तो ये तो 2 के बराबर हो जाएगा, और इसका तो जीरो से बड़ा आएगा या जीरो आएगा, यही ना होगा, तो जीरो आएगा तो 2 हो जाएगा, और जीरो से बड़ा आएगा तो 2 से बड़ा इसका मान होगा, यही ना पता चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली पहले ही यहाँ 2 है और ये स्क्वायर में है, तो इनका भी तो कुछ मान आएगा ना, या तो जीरो आएगा, जीरो आएगा तो 2 हो जाएगा, और जीरो से बड़ा आएगा तो 2 से ये बड़े हो जाएंगे इनके मान, यही ना होगा। उस नंबर